हमीरपुर में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के अध्यक्ष अजमेर ठाकुर द्वारा की गई। बैठक में बलदेव धीमान विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आज जो यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, एक साथ हर महीने की 7 तारीख को यहाँ पर हमारी बैठक होती है अपने संगठन की, उसी बैठक में हमें यहाँ पर बुलाया गया था और उसमें हमें इनकी तरफ से जो यहाँ जिला हमीरपुर है उसकी तरफ से हमें यहाँ सम्मानित किया गया। और जो यहाँ पर एक निदेशक मंडल होने के नाते जो यहाँ के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी सारे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हैं उनके साथ जो पिछली सरकार ने बिल्कुल उसका जो उनका शोषण किया था उनके ऊपर बहुत ही ये गैर जिम्मेवाराना ढंग से वरिष्ठ नागरिक होने के नाते भी उनके ऊपर जो अत्याचार ढाए थे उनके हर एक चीज़ को रोक के रखा था। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार आते ही माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर जी तथा अन्य हमारे प्रदेश सरकार, पूरी प्रदेश सरकार ने जो हमारी बातों को सुना, इनके दुख दर्द को समझा और निदेशक मंडल में सबसे पहले जो 2015 से जो डीए जो महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी उसको यहाँ पर जो है उन्होंने एकदम खोला और कई भर्तियों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए जो भी पिछली सरकार ने गलत काम किए थे, चाहे वो गाड़ियों की खरीद की बात है चाहे दूसरे घोटाले हैं, उनके चिंतन मंथन के लिए ही आज यहाँ पर बैठक रखी गई थी। क्योंकि जो वहाँ निदेशक मंडल में बोर्ड में जो निर्णय हुए हैं वो उनको इन लोगों को हमने अवगत करवाया तथा इन लोगों की जो वहाँ पर समस्याएं हैं, काफ़ी समस्याएं हैं अभी तक उनको निपटाना है, उनको सारी बातें जो है हम जो है सरकार के साथ तथा निगम प्रबंधन के साथ वहाँ लेके जाएंगे और सारी बातों का जो है बड़े ठीक ढंग से उसका हम निवारण करेंगे ताकि ये वरिष्ठ नागरिक जो इस पड़ाव पर जो यहाँ बैठे हैं और इनका कोई भला हो। इसके साथ जो परिवहन निगम है जो कि एक सबसे बड़ा यहाँ दायरा है प्रदेश की जनता सुविधा के लिए, उसके उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि परिवहन निगम जो है रीढ़ की हड्डी है, उसको चलाने के लिए बिल्कुल ठीक ढंग से चलाने के लिए, जिससे निगम भी अपने पूरे फायदे में आए और लोगों को सुविधा मिले, पैसे तो दे रहे हैं लेकिन उसको और सुचारू रूप ढंग से चलाने के लिए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए तथा जो पिछली सरकार में घोटाले हुए हैं चाहे परिवहन मंत्री हैं चाहे जो अधिकारी हैं उनको सारे को दंडित करने के लिए जो है हम भरसक प्रयास करेंगे, किसी भी हालत में किसी भी तरीके से उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सरकार का भी यही हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है हमने शासन देना है। तो जो HRTC में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, फैला क्या, जड़ से वहाँ पर बहुत बुरी हालत है, उसको खत्म करने के लिए हम हर जो हमारा यथासंभव हम प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार TV, हमीरपुर।